आए सर्जन थे डॉक्टर अली हैदर, उनको लश्कर जंग में लेट्स नेम इट, जी कराची जी, उनकी अब वाइफ जो है विक्टिम ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए एक अदारा चला रही हैं। हम लोगों ने उनपे इसी तरह का टेस्टिमोनियल जो है वो हमने नहीं बल्कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से करवाया। हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हमने पहले ट्रेन किया और उन्हें फैसिलिटेट किया। डॉक्टर शकील लॉज इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट कराची के जो HOD थे, अलकायदा ने उन्हें टारगेट करवाया। एक्चुअली हमने डॉक्यूमेंट्रीज की, एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज थी कि हॉस्पिटल्स का क्या रोल रहा जो ये सारे लोग आ रहे थे उस कुर्बान, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी किसी से पूछा जाए कोई सरकारी अदारा कुछ कर रहा था या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट कर रहा था लोगों को जो है उस ट्रामा में से निकलने में, तो किसी का नाम ही नहीं किसी के ध्यान में आता। सो हमने एक लॉ ड्राफ्ट किया नेक्टा के साथ मिलकर और हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर किया वो लॉ। अभी इस टाइम जो लॉ है वो पंजाब के अंदर वो पास हो चुका हुआ है, पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के नाम से, KPK में वो पास हो चुका है 2019। कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन पॉलिसी लेवल पे जब गुफ्तगू होती है, जब इनकी टॉप टीयर के साथ हमारी बात होती है, हम उन्हें बड़ा क्लियरली बताते हैं कि आप कुर्बानियां दे के अच्छे नहीं बनेंगे सोसाइटी में, आपको अपना वो जो रूल ऑफ लॉ और आपके अपने जो रवैये हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर इसका बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। जैसे हमारा एक तखसस था ये हमारी कायद की यादगार, तो उनके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? ये पैसा डोनेट हो रहा है तो वो इतने पावरफुल ग्रुप्स बन गए हैं कि हर जगह वो मदर पिदर आज़ाद फिर रहे हैं। आप सोचें समझें देखभाल के चेक करके अपनी जो भी डोनेशन देनी है, चाहे वो ज़कात की शक्ल में है, चाहे वो चैरिटी शक्ल में है, चाहे वो आप एज ए डोनेशन देना चाहते हैं खैरात की शक्ल में, वो दें। अगर ये कर देंगे तो मुस्तकबिल में किसी ग्रुप को ये हिम्मत नहीं होगी कि वो इस किस्म का वाकया दोबारा लाए। या तंजीम को ज़कात खैरात या अतियात देने से पहले तसल्ली करके नहीं, इस बारे में दोस्त अहबाब अजीज़ और क़ारिब से राय ज़रूर लें। आप अपने अतियात ज़रूरतमंदों को नकद देने के साथ साथ काबिले एतबार इदारों के अकाउंट्स में जमा करवा सकते हैं। इन इदारों की फहरिस्त नेक्टर की वेबसाइट पर फराहम की गई है, इससे रहनुमाई लें। और इसी तरह अतियात जमा करने वाले इदारों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन का, जो कि तहकीक के जरिए मुख्तलिफ कैंपेन्स डेवलप करता है कि मुल्क के अंदर कैसे अमन का फरोग हो और उन कुव्वतों का मुकाबला कर सके जो हमारे मुल्क का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उस सिलसिले में ये इदारा कैंपेन्स बनाता है, ये इदारा ऑफिसर्स की और जर्नलिस्ट वगैरह के साथ एक राबता करता है, उनकी ट्रेनिंग भी करता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन करता है और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करता है पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और यहाँ पे क्योंकि हम पहली दफ़ा आए हैं तो यहाँ की जो कम्युनिटी है बर्मिंगम में, मैनचेस्टर, लंदन, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, उनको भी हमारे यही पैगामात हैं जो हमारी कैंपेन्स के, अतियात ज़कात सोच समझ के दें, अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करें और आपस में तफरकाबाजी को ख़त्म करें, ताकि अगर हम यूनाइटेड होंगे, मुत्तहिद होंगे, तभी हम दुश्मन की कोशिशों से बच सकेंगे। मैं वाइस काउंसलर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंगम है। आज का ये जो इवेंट था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के इश्तराक से ये एक बहुत ही मानी खेज इवेंट था। इसके ज़रिए हमें यह मालूम हुआ कि हमारे माशरे में ओवरऑल हमें टेररिज्म के लिए या दहशतगर्दी है या जो इंतहा पसंदी है उसके सदबाब के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें इज्तमाही तौर पर कैसी सोच अपनाने की ज़रूरत है कि जिसके बाद हम उन रवैयों को शिकस्त दे सकें जो हमारे माशरे में इंतशार का या बदमनी का या तफरक़ेबाजी का बाइस बन रहा है। मेरा ख्याल से कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का पाकिस्तान पीस कलेक्टिव का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अकमल खान है, मैं कैंपेन्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर हूँ पाकिस्तान पीस कलेक्टिव में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्ट है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नैरेटिव्स को चैलेंज करने के लिए। कम्युनिकेशन साइड पर आप कह सकते हैं कि इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें कर रहा है। बुनियादी तौर पर आज की इस बर्मिंगम में जो पाकिस्तानी कौंसलेट में हमारे इंट्रैक्शन हुआ लोकल कम्युनिटी के साथ, उसकी बुनियादी वजह
ہم پاکستانی بہت مخیر جو ہیں قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. سالانہ 554 ارب روپے کے قریب جو چیریٹی ہے وہ پاکستانی قوم دیتی ہے, جس میں سے جو محتاط اندازہ ہے 15-20% کے قریب جو ہے وہ بینڈ آؤٹ فٹس, ٹیررسٹ جو ہیں وہ تنظیمیں جو ہیں وہ لے جاتی ہیں, وہ دھوکہ دے کے لے جاتی ہیں چیریٹی کے نام پہ, کسی رفاہی ادارے کے نام پہ, کسی مذہبی ادارے کے نام پہ وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ مقامی کمیونٹی کو ڈائسپورا بہت بڑی تعداد میں ریمیٹنس بھجواتا ہے پاکستان واپس, تو ان کو سینسٹائز کرنا تھا کہ آپ نیکٹا کی سائٹ پہ بینڈ آؤٹ فٹس تنظیموں کی جو ہے وہ نام موجود ہیں, آپ ایک تو اس کو احتیاط کر لیں, دوسرا کوشش کریں کہ اپنے قریب قرب و جوار میں جن کو آپ جانتے ہیں آپ ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ آپ کو انشورڈ ہو کہ جو پیسے آپ نے بھیجے جس مقصد کے لیے بھیجے اسی میں استعمال کا مقصد جو تھا دہشت گردی انتہا پسندی کے بیانیے کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں جو تفرقہ ہے, جو تقسیم ہے, جو نفرت ہے اسے کم کرنا ہوگا. پیسے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں وہ میک شور کریں کہ وہ کریڈیبل آرگنائزیشنز تک پہنچ رہے ہوں اور پراپر چینلز کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچے, نہ کہ حوالہ یا ہنڈی کے طریقے سے وہاں پہنچے, بیکاز آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اس جو آپ کے دیے ہوئے پیسے ہیں وہ ملک کے فائنینشیل سرکل کو بھی امپروو کرتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ دیکھ بھال کے دیں اچھے اداروں کو جن کا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اور فلاحی کام کے لیے. کچھ قانون سازی بھی کر رہی ہے تاکہ جو بھی ادارہ وہاں پہ فلاحی کام کر رہا ہے وہ خاص مینڈیٹ کے اندر کام کرے, اپنے آڈٹ اکاؤنٹس انشور کرے. تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بل پاس کر انٹروڈیوس ہو چکا ہے جو کہ 5-4 پروونسز میں ایک نافذ بھی ہو گیا ہے, انکلوڈنگ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پروونسز میں موسٹ پرابلی اگلے 1-2 منتھ میں پاس بھی ہو